बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। तो आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या का क्या महत्व होता है, इस दिन क्या कुछ खास चीजें आपको करनी चाहिए, क्या कुछ खास चीजें नहीं करनी चाहिए, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हर महीने में एक बार अमावस्या जरूर आती है, मगर जब भी किसी वार पर अमावस्या पड़ती है तो उस वार के नाम से वो अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो चैत्र मास की अमावस्या तिथि जो पड़ रही है इस बार, वो सोमवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए ये जो अमावस्या है, ये सोमवती अमावस्या कहलाएगी। सोमवती अमावस्या का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन अगर देखा जाए तो दान पुण्य से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ आपके समस्त जो पाप हैं उन सभी का नष्ट भी होता है। और अगर देखा जाए, अगर पितरों को आप खुश करते हैं, पितरों को प्रसन्न करते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या का महत्व बहुत अधिक है। अगर इसकी हम बात करें कि ये कौन सी तिथि पे पड़ रही है, चैत्र मास के ये जो पड़ रही है, चैत्र मास की अमावस्या तिथि पर पड़ रही है इस बार, और ये जो डेट होगी ये होगी 12 अप्रैल 2021 की। इस दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी क्योंकि सोमवार का दिन है और इस दिन अमावस्या तिथि है। तो इस दिन क्या कुछ खास आपको करना है, इस विषय में जान लेते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष में अगर आप मीठा दूध जल मिला करके अगर अर्पित करते हैं और 7 बार परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन होगा और समस्त परेशानियां धन से जुड़ी हुई समाप्त हो जाएंगी। वहीं पे पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और साथ ही साथ कुछ भी खाने के यानी भोजन आप अगर रखते हैं तो इससे आपके पितरों की भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस दिन आप काली वस्तुएं अगर दान करते हैं या किसी भी अन्य तरह की वस्तुएं आप दान करते हैं, चाहे आप फल फ्रूट आप दान कर सकते हैं, तो ये सब चीजें दान करने से भी आपके जीवन में काफी हद तक सुख शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोग जो है इस दिन रात्रि काल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और उसके बाद 7 परिक्रमा कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में हर तरह की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाए। तो इस तरह से ये कुछ खास चीजें हैं जिनको करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मगर वहीं पे इस दिन सुबह उठ करके सूर्य देव को अगर आप अर्घ देते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आने वाले जीवन में अगर आपको किसी भी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त होगी। इस दिन गंगा स्नान या फिर अन्य पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। तो इस दिन यदि आप अगर संभव हो किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, यदि ना संभव हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला करके स्नान करें, आपको इससे शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा और पुण्य की प्राप्ति भी होगी। वहीं पे अगर देखा जाए इस दिन क्या कुछ खास चीजें वर्जित होती हैं, तो इस दिन तेल मालिश करना वर्जित होती है। शरीर पे इस दिन तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्पेशली सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं पे इस दिन अगर देखा जाए तो आप लोग तामसिक भोजन अगर करते हैं तो तामसिक भोजन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। वहीं पे इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए ताकि आपके जीवन में हर तरह से जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो और अगले दिन की तैयारी भी करनी चाहिए क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ हो जाते हैं चैत्र के नवरात्रे। तो इसीलिए इस दिन ना तो तामसिक भोजन किया जाता है, ना ही किसी भी तरह की अन्य तरह की कोई क्रिया की जाती है। तो और भी विषय पे हम चर्चा करेंगे, केवल एस्ट्रो तक पे देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग इन जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राधे।